अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को हमेशा एंड तक देखा करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स किया करें। अगर वीडियो में कुछ फ़र्क है या कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो बता दिया करें। इस वीडियो में आपको ये फ्लावर मार्केट है या जो पौधों वगैरह की जो फ्रेश पौधे या फूलों की मार्केट है वो आपको दिखाते हैं। नॉर्मली इधर इतना रश नहीं होता, लेकिन चूंकि चाइनीज न्यू ईयर में ये लोग ज़्यादा खरीदते हैं तो इसलिए यहाँ काफ़ी रश होता है, जो आप देख सकते हैं। चलने की भी जगह नहीं है और जगह जगह पुलिस खड़ी हुई है ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए। तो ये पीछे भी आप देख सकते हैं और खास कर ये आप देख सकते हैं जो ये लेके आ रहा है, ये माल्टा के पौधे होते हैं, फ्रेश माल्टे छोटे छोटे। तो ये लोग ये पूरा खरीद के जगह में रखते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मुख्तलिफ प्लांट्स। अंदर जा नहीं सकते क्योंकि रश इतनी है, तो सिर्फ बार बार से आपको दिखा देता हूँ। ये काफ़ी बड़ी जगह है, बहुत तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर तक फैली हुई है और रोड के दोनों तरफ है, तो आपको कोशिश करते हैं दोनों तरफ दिखाने की। जैसे अब ये देख रहे हैं लोगों को ये लाइसियाँ दे रहे हैं, तो लगता ये है कि ये इस एरिया की काउंसलर हैं, तो उसके आदमी हैं जो लोगों को लाइसेंस दे रही हैं। और ये आप देख सकते हैं पुलिस वाले जगह जगह खड़े ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए। तो चलते हैं सीधे एंड पे और वहाँ से फिर दूसरी साइड से वापस आके आपको वापसी का दिखाते हैं। पहले इस साइड से बार बार से चलते हैं क्योंकि इस तरफ काफ़ी गाड़ियों की वजह से रश भी है। और ये मार्केट काफ़ी दूर तक फैली हुई है और आप देख सकते हो उस साइड पे पहाड़ी क्या खूबसूरत व्यू दे रही है। चूँकि बादल हैं तो साफ नज़र नहीं आ रहा है। ये आप देख सकते हैं पुलिस वाले ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए। और ये ऊपर पूरे आप बिल्डिंग में मुख्तलिफ छतों पे जो है ना फ्लावर वगैरह हैं, लेकिन वो थोड़े लग्जरी टाइप के हैं, तो सेम आइटम के लिए ऊपर जाके आपने ज़्यादा देना है, जो यहाँ नीचे आपको सस्ते में मिलते हैं। ये आप देख सकते हैं इनके जो ट्रेडिशनल चाइनीज स्टाइल के जो ये पौधे हैं क्या खूबसूरत लगते हैं घरों में रखने के लिए। और तकरीबन ये वाला पौधा समझ लो 120 US का है, 980 हांगकॉन्ग डॉलर हैं, जो तकरीबन 120 के आगे पीछे बनते हैं US डॉलर, तो सस्ते नहीं है भाई। जहाँ जो भी है तकरीबन 100 US से लेके 150 तक है ये वाले पौधे। ये पौधे जो भी हैं काफ़ी महंगे हैं। ये जैसे पौधा है इसको लगा हुआ है 1280, तो ये समझ लें तकरीबन 150 US के करीब हैं। सभी तकरीबन 50-60 US से ऊपर ऊपर हैं, ये वाले भी 50-60 US के हैं, तो इतने सस्ते नहीं है हांगकॉन्ग जितना लोग समझते हैं। लेकिन ये सब तकरीबन 10-15 US डॉलर के हैं एक एक। यहाँ ये आप देख सकते हैं छोटे छोटे हल्की हल्की टहनियाँ 20-20 डॉलर में हैं, लेकिन आप रश देख लें, चला नहीं जा रहा।
क्योंकि इनको इस दौरान में पुलिस या जो दूसरे अर्बन वाले डिपार्टमेंट वाले हैं वो भी कुछ नहीं बोलते, न्यू ईयर का टाइम होता है तो आप रश देख सकते हैं कितनी रश है। लेकिन जो शॉप्स थोड़ी ज़्यादा ही महंगी हैं वो आप देख सकते हैं खाली भी पड़ी है, जहाँ पे थोड़ा प्राइस में अप डाउन हो जाता है तो वहाँ फिर भी चलता है। सामान मतलब $80 का है, एक $80 में ये वाला दे रही है। अच्छा, नहीं सॉरी, वो 160 का, 160 मतलब $160 शायद, वो बड़ा है इसलिए $160। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दुकान के अंदर मुख्तलिफ किस्म के फ्लावर, तो इस दौरान में आपको वो फ्लावर मिलते हैं या पौधे मिलते हैं जो आपने नॉर्मली नहीं देखे होंगे। और साथ में आप देख सकते हैं ऊपर रिहायशी बिल्डिंगे हैं, उनके दरवाजे हैं, जैसे ये रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, और ये डॉक्टर साहब हैं, अच्छा नहीं थाई मसाज वाले हैं। तो ये रेजिडेंशियल एरिया में है, ऊपर सब बिल्डिंगे हैं, ये आप देख रहे हैं दुकान कितनी बड़ी पड़ी है। ये सामने आप देख सकते हैं जो मैं आपको बोल रहा हूँ, छोटे माल्टे हो गए और साथ में नींबू है। ये आप देख सकते हैं साथ ही रेजिडेंशियल बिल्डिंग हैं और इनके नीचे ही ये फ्लावर शॉप्स हैं, कोई शहर से बाहर नहीं है। आप देख सकते हैं चारों तरफ रेजिडेंशियल एरिया है। वैसे मेरे ख्याल में फ्लावर मार्केट को आबादी से बाहर होना चाहिए, लेकिन जब से मैं देख रहा हूँ ये मार्केट इधर ही है और ऐसी ही रहती है, लेकिन रश इतना नहीं रहता, डिस्प्ले ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है। वैसे ये पहली दुकान बीच में देख ली जिसमें जुतियाँ वगैरह भी हैं, नॉर्मली तो ये फ्लावर और ये चीज़ें होती हैं। ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ प्लांट्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के फ्लावर। ये आप देख सकते हैं, ये लेके ये लोग घर में पानी में रख देते हैं तो कम से कम एक हफ्ता 10 दिन निकाल लेते हैं। ये भी आप देखें कितने कलरफुल ये पौधे हैं, और ये सब जेन्युइन है, कोई मतलब प्लास्टिक का या इमिटेशन यहाँ पे नहीं है। ये आप देखें, गाजर लगता है मिट्टी भी साथ में है, जैसे अभी निकाल के लाए हूँ, आप देख सकते हैं $40 की है ये गाजर दे रहे हैं। हमारे मुल्कों में तो ये गाजर ऐसे ही बेचारी जलील होती रहती है, यहाँ इन सब्जियों की कीमतें हैं। ये आप देख लें, ये आप फिर देख रहे हैं माल्टे, जेन्युइन माल्टे हैं, कोई दो नंबर नहीं है। साथ में पुलिस वाले भी घूम रहे हैं, आप देख सकते हैं पुलिस वालों को बहुत अलर्ट रहते हैं यहाँ पे पुलिस वाले इन दिनों में, क्योंकि न्यू ईयर का समय होता है और कुछ भी हो सकता है। जब से यहाँ ये आज़ादी मूवमेंट चली थी उसके बाद से, तो इसलिए थोड़ा पुलिस को ध्यान देना पड़ता है। यहाँ से रोड क्रॉस करते हैं और आगे जाके फिर दूसरी साइड से वापस आएंगे तो आपको दिखाते हैं सब। ये आप देख सकते हैं पुलिस वाले, और ये आप देखें मार्केट अंदर की तरफ बहुत डीप में है, काफी दूर तक है,
हम लोग तो सिर्फ जो मेन रोड है उसके साथ साथ में गुजर रहे हैं। बाबा ने लिए देखो, ये शायद अभी बाहर से आए हैं, आप देख सकते हैं अभी इन्हीं में पड़े हुए हैं, क्योंकि अगले चंद दिन में जब अभी तो एक वीक बाकी है न्यू ईयर के लिए, एक वीक तो नहीं है, चार पांच दिन है, तो आखिरी एक दो दिन में या स्पेशली आखिरी रात बिल्कुल यहाँ पाँव रखने की जगह नहीं होगी, क्योंकि उस वक्त सबसे ज्यादा खरीदारी की जाती है। ये बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म की भी शॉप यहाँ पे है, पूरा रोड कवर किया हुआ है इन्होंने, तो ये पता नहीं कोई जड़ी बूटियों या चाय की दुकान है, और बाकी सब आप देख सकते हैं फूलों की, फूल ही फूल। एक बार नवीस देखें, हमारे मुल्कों में तो फूलों की और इन चीज़ों की कदर कमी होती है, बहुत कम पढ़े लिखे लोगों को फूल वगैरह की कदर होती है। सबसे महंगे पौधे ये वाले हैं, ये आप देख सकते हैं, और ऑलमोस्ट सभी बिके हुए हैं, इसलिए ऊपर लगा हुआ है टैग के सोल्ड आउट, ये आप देख सकते हैं। ये तकरीबन ढाई तीन तीन हजार डॉलर के एक एक होंगे, यहाँ भी फ्लावर मार्केट है। ये आप देख लें, मुख्तलिफ किस्म के प्लांट जो आपने कमी कहीं देखी हुए होंगे, ये वाली एक एक डंडी पड़ी हुई है 580 डॉलर में, और ये सिंगल वाली 45 डॉलर में। आंटी का ऐसे मुंह बनाया था, मैं समझा अभी मेरे कैमरे में घुस जाएगी, लेकिन अच्छा हुआ साइड से गुजर गई। और रेस्टोरेंट भी है बीच में, लेकिन हलाल नहीं होगा। इन्होंने साथ में तस्वीरें भी लगाई हुई हैं कि इनका जो प्लांटिंग सिस्टम है वो कहीं हांगकांग साइड पे है। ये आप देख सकते हैं पूरे पूरे पौधे, और जैसे मैं आपको बताया पानी में रखते हैं, तो आप देखें ये पानी में पड़े हुए हैं, तो पानी में पड़े रहने से ये चंद दिन तक ताज़ा रहते हैं। या फिर माल्टे वगैरह, ये माल्टे चूँकि मट्टी वगैरह के साथ लेके आते हैं, तो ये ज़्यादा दिन तक चल सकते हैं। ये यहाँ पे एंड हो जाती है, और ये सामने चाइना जाने वाली ट्रेन का ब्रिज है, और ये रॉयल प्लाजा होटल। पता नहीं क्या बेच रहे थे, स्टूडेंट यूनिफॉर्म शॉप। ये कुछ अजीब से येलो कलर के फ्लावर्स हैं, ये देखें खूबसूरत चीज है। ये सनियती और प्याज है, थूम मतलब लहसुन है, क्या है आप देख सकते हैं, कुछ फूल मुरझाए हुए हैं, शायद बहुत दिनों से आके पड़े हैं। 118 डॉलर में ये एक, लेकिन दो चार दिन ही इनका जिंदगी होती है, क्योंकि ये
ऐसे पानी में लंबा ठहर नहीं सकते, तो इनकी जो ईद होती है 3-4 दिन के लिए वो हो जाता है। ये वाली थोड़ी सस्ती नज़र आई है, इसमें $78 $128 के हैं, बाकी जगहों पे तो ये प्राइस नज़र नहीं आती। रिहायशी बिल्डिंग और ये सब चीज़ें वो हैं जिसमें ये फूल रखे जाते हैं, कुछ में लाइटिंग वगैरह भी है। ये आप देख लें कद्दू वद्दू और ये आइटम, ये अभी मिट्टी के साथ लेके आए हैं आप देख सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग मिट्टी के साथ लेके जाना चाहते हैं ताकि ज्यादा दिन तक पड़े रहे, 8-10 दिन तक। यहाँ ऑफिशियल हांगकांग में ऑफिशियल छुट्टियाँ तो 4-5 होती हैं चाइनीज न्यू ईयर की, लेकिन अनऑफिशियल ज्यादा होती है, लोग इससे ज्यादा छुट्टियाँ लेते हैं। और बच्चों के स्कूल की भी तकरीबन 2 वीक होती हैं, लेकिन चाइना में यही छुट्टियाँ 1-1 महीना होती हैं। अपनी रश है, चलना मुश्किल है, मुझे समझ नहीं आ रही आप लोगों को मेरी आवाज भी आ रही होगी नहीं आ रही होगी। क्योंकि रश होने की वजह से मैं बहुत ज्यादा आवाज भी नहीं निकाल सकता। ये देखे फ्लावर, हर दुकान में कितनी रश है। ये देखें कैसी कैसी पैकिंग में ये पौधे मुख्तलिफ मुल्कों से आते हैं यहाँ पे, ये सब देखें वो देखें और निकाल रहे हैं, तो चाइना से कुछ दूसरे मुल्कों से जो पैक होके आते हैं यहाँ पे, पौधे सब लोकल नहीं होते, बाहर के मुल्कों से लाया जाता है, इसलिए इनकी प्राइस भी ज़्यादा होती है। और आप देखें कितने खूबसूरत कलरफुल, ये देखें कितनी रश है, हर जगह इतनी रश है कि चला ही नहीं जा पा रहा। ये आप देख लें छोटे छोटे, ये आप देख लें अंदर पूरा लंबा शॉप है, बहुत बड़ी शॉप है। यहाँ पे मोस्टली जो पौधे आते हैं कुछ मलेशिया, कुछ चाइना, थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपीन, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, तो इन जगहों से जो करीब करीब जगह हैं वहाँ से आती है, न्यूजीलैंड हो गया। खाली फूल लेने के लिए ये रश देख ले, ये तो कुछ अजीब से लगता है सरसों के, लेकिन सरसों के नहीं है क्योंकि सरसों के इतने लंबे होते नहीं है। ये आप देखें ये कुछ और है।
कोई और दरख्त है, ये आंटी के हाथ में भी है। आपको दिखाते हैं यहाँ पे बाहर निकल के रोड के ऊपर, देखें जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है फूल ही फूल है। इस साइड पे अलबत्ता तकरीबन हम लोग 500 मीटर घूम के आ गए हैं, तो चलते हैं अंदर, अंदर से थोड़ा चलते हैं ताकि फूल दिखा सकूं, क्योंकि बाहर से इतने क्लियर नज़र नहीं आते। और फिर आप देख सकते हैं यहाँ अंदर जो प्ले ग्राउंड है उसमें फुल यही लगा हुआ है, फूल बेचने के लिए उसको रिजर्व किया गया है जब तक न्यू ईयर है। तो ये हांगकांग के मुख्तलिफ एरियाज में ऐसा ही है, ये आप देख सकते हैं इस पे लगा हुआ है, चाइना से आए हैं ये सब बॉक्स, सॉरी ताइवान से, तो ये ताइवान के पौधे हैं। $150 में ये देते दे रहा है, कमन मतलब 150। ये वो साइड है रोड का जहाँ से अभी हम लोग गुजर के निकले थे, तो ये वो गाड़ियां हैं जो ये सामान लेके आती हैं। ये आप देख सकते हैं सामने, जैसे ये प्ले ग्राउंड में भी लगाया गया है, तो ऐसे घूमने जाएंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, खाली आपको आइडिया दे देते हैं। ये आप देख सकते हैं अनलोड हो रहा है, ये आप अंदर से गुजरे तो आपको फ्लावर ज्यादा दिखा सकते हैं, लेकिन रश इतनी है कि पांव रखने की जगह नहीं है। बाहर साइड पे भी रश है, लेकिन चूंकि रोड बड़ा है तो थोड़ा आदमी आसानी से गुजर जाता है। अंदर फुटपाथ उन्होंने आधा कवर किया हुआ है। और ये साथ में फ्लावर मार्केट है, चूंकि ये एरिया हमेशा से, जैसे मैंने बोला फ्लावर। अच्छा, जैसे आप देख सकते हैं अभी ऑलमोस्ट हम 1 किलोमीटर चल के आ गए हैं, और यहाँ से आगे भी तकरीबन इतना ही और जगह होगी। और आप देख सकते हैं कुछ गाड़ियाँ तो अभी अभी आई हैं, अनलोड हो रही हैं, इवन उस तरफ भी और इधर भी। और इस मार्केट के सामने इसके तनासब से आप देख रहे हैं यहाँ पे एक फूलों का गार्डन बनाया गया है जो सरकारी है, तो इस वक्त इसमें जा तो नहीं सकते, लेकिन बाहर से आपको दिखा सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं लोग खरीद खरीद के लेके जा रहे हैं। और ये सामने जो शॉप है ये सबसे बड़ी है, आप देखें कितना अंदर तक, और इनके बाहर भी काफ़ी डिस्प्ले है, यहाँ भी है, तो काफ़ी बड़े। और सबसे खूबसूरत जो मुझे लगा, आप देख सकते हैं इस शॉप का जो वर्कर है उसके पीठ पीछे लिखा हुआ है एंजॉय द ब्रीथ ऑफ नेचर, ये आप देख सकते हैं ना एंजॉय द ब्रीथ ऑफ नेचर। तो इसके कहने का मतलब ये है कि पौधे दरख्त इनसे जो ऑक्सीजन निकलती है वो हम लोगों के लिए काफ़ी अच्छी होती है, और हम लोगों को भी अपने मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए। यहाँ आपसे बात नहीं कर सकता, गुजरने का जगह नहीं है, और साथ में लोडिंग अनलोडिंग हो रही है। ये आप देख सकते हैं अभी माल आया हुआ है, ये ट्रक से उतारे हैं, ये आप देख सकते हैं। और
$480 में 5 टहनियाँ, 760 में 10, 580 में 5 और 920 में 10। तो ये ऊपर साइज भी लिखे हुए हैं, मुख्तलिफ साइज़ के मुख्तलिफ प्राइस हैं। जो डंडी सबसे ज़्यादा लंबी है उसकी प्राइस सबसे ज़्यादा है। ये भी काफ़ी बड़ी शॉप है, आप देख सकते हैं काफ़ी अंदर तक लोग इसमें घुसे हुए हैं, रश है, तो उस साइड पे जाके लोगों को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, बाहर बाहर से ही निकल जाते हैं। मतलब आपको दिखाने का है तो आपको दिखाते जाते हैं। और जैसे आपको बताया ये साइड पे गार्डन है, आप देख सकते हैं ये पता नहीं कौन सा फल है, लगता है नींबू की तरह है लेकिन कुछ अनयूजुअल है। इसके जो दरख्त हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और साथ में जो लोग शॉपिंग के लिए हैं उनके बच्चे यहाँ घूम रहे हैं। और ये मार्केट के अंदर भी, मतलब गार्डन के अंदर भी कुछ जगहों पे स्टॉल लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं $1,080। ये वाले सबसे महंगे हैं, ये वाला तकरीबन $2,000 का है लेकिन बिक चुका है $1,914। और यहाँ अंदर गली में भी आप देखें शॉप है लेकिन इतनी तंग है कि हम लोग अंदर नहीं जा सकते। ये जगह शायद कॉर्नर होने की वजह से पुलिस ने इसको सील किया हुआ है। ये जगह पुलिस ने सील की हुई है ताकि ट्रैफिक की रवानगी के लिए आसानी हो। यहाँ भी ये रोड इन्होंने बंद किया हुआ है, सिर्फ इस साइड पे जो कार्गो वाले आते हैं उनको अलाउ करते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो निकल जाते हैं थोड़ा इस साइड पे ताकि वो भी आपको दिखा सके। ये काफी दूर तक इसमें भी शॉप्स हैं लेकिन इतनी रश नहीं है, तो हम लोग निकलते हैं वापस, सिर्फ रश एरिया में घूम जाते हैं। तो दूसरा इस साइड पे लगता है ऐसे है जो सबसे महंगे वाले पौधे हैं तो वो हैं, तो हर आदमी उस साइड पे नहीं जा रहा है क्योंकि उस साइड पे सिर्फ बड़े पौधे लग रहे हैं। ये काफी खूबसूरत है आप देखो लेकिन प्राइस भी इनकी ज्यादा है। अच्छा, ये रूफ फॉर्म स्पेशलिस्ट डिजाइन एंड बिल्ड रूफ फॉर्म, तो ये जो है ना फॉर्म बनाते हैं अपना बिल्डिंग के ऊपर, तो उसके स्पेशलिस्ट हैं, तो इनका ये भी काम है। और इनके पास आप देख सकते हैं मुख्तलिफ सीड्स भी मिलते हैं, जो सीड्स भी आपके चाहिए वो इनके पास मिलते हैं। ये भी आप देख सकते हैं काफी बड़ी शॉप है। काफी खूबसूरत पौधे हैं और ये छोटे माल्टे, और ये भी आप देख सकते हैं गली पूरी भरी है लेकिन छोटी दुकानें हैं तो अंदर जाने में मुश्किल होगी। यहाँ पे आप देखें मार्केट को, तो बैक साइड पे अगर जाते हैं तो वहाँ और लंबी जगह है लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाती, तो हम लोग वापस उधर आ गए हैं जहाँ से वीडियो ऑलमोस्ट शुरू की थी। तो इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं और आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि
वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।